हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पंप। पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होती है विच यूजेस सक्शन और प्रेशर टू रेज और मूव लिक्विड। पंप को हमने टू टाइप में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट इज सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड सेकंड इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सेंट्रिफ्यूगल पंप में क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होती है जो कि हमारा पंप डिस्प्लेस करता है वो हमारी वेराई करता है हर साइकिल में। बट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमारी वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट रहती है, मीन्स हमारा पंप फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर को पंप करता है, डिस्प्लेस करता है हर साइकिल में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रिफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमारी वाटर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू प्रेशर एनर्जी। सेंट्रिफ्यूगल पंप के पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इंपेलर। इंपेलर मूविंग पार्ट होता है ऑफ द पंप, यह हमारे वाटर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड इज केसिंग, जो आउटर कवरिंग होती है पंप की उसे हम केसिंग बोलते हैं, इसका काम होता है हमारे पंप को प्रोटेक्ट करना। एंड नेक्स्ट इज शाफ्ट, हमारा इंपेलर होता है वो हमारी शाफ्ट पे माउंट होता है और हमारी शाफ्ट रोटर एक मोटर से कनेक्ट होती है। जब हमारी शाफ्ट रोटेट करती है तो हमारा इंपेलर भी इसके साथ रोटेट करता है। एंड द नेक्स्ट इज शाफ्ट सीलिंग, जो हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप होता है उसे मैकेनिकली सील करते हैं, जिससे कि हमारा जो पंप के अंदर है वो प्रेशर वो कांस्टेंट बना रहा है और हमारा लिक्विड बाहर की तरफ लीक ना करे। एंड द नेक्स्ट इज बेयरिंग, ये बेयरिंग जो होते हैं हम अपनी इंपेलर और शाफ्ट के बीच में बेयरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन हो और हमारा इंपेलर फ्रीली रोटेट कर सके। एज यू कैन सी इन वीडियो, हमारे जो वाटर होता है वो हमारा एंटर करता है पंप के अंदर फ्रॉम द आई ऑफ इंपेलर। वहाँ से हमारा जो इंपेलर होता है वो एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो शाफ्ट होती है वो हमारे एक मोटर से कनेक्ट होती है। जब हमारी शाफ्ट रोटेट करती है तो हमारा इंपेलर भी रोटेट करता है, इंपेलर के साथ हमारा वाटर भी रोटेट करता है, जिससे हमारे वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। एट द एग्ज़िट पे क्या होता है, हमारे वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपना वाटर को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। इनका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है हम लिक्विड को एक होलो कैविटी के अंदर ट्रैप कर लेते हैं एट द इनलेट, और फिर उसी लिक्विड को हम आउटलेट पे फोर्सफुली थ्रो करते हैं टू द आउटलेट पाइप, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। आज हम चार टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज गियर पंप, देन लोब पंप, देन वेन पंप एंड द लास्ट इज स्क्रू पंप। अब हम पढ़ेंगे गियर पंप के बारे में। गियर पंप में हमारे दो मैशिंग गियर होते हैं जो कि यूज होते हैं टू ट्रांसपोर्ट और डिस्प्लेस लिक्विड फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट वाल्व। गियर पंप में हमारे दो टाइप के गियर होते हैं, एक ड्राइविंग गियर, दूसरा ड्रिवन गियर। जब हम ड्राइविंग गियर रोटेट करता है तो उसके साथ हमारा ड्रिवन गियर भी रोटेट करता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनलेट पे जब हमारा वाटर इनलेट के अंदर जब हम पंप के अंदर एंटर करता है थ्रू इनलेट, तो जो हमारा वाटर होता है वो गियर के टूथ के बीच में ट्रैप हो जाता है। एज यू कैन सी इन वीडियो, जब हमारा गियर के टूथ के बीच में ट्रैप हो गया तो हमारा जो गियर है वाटर को केसिंग के इनर वॉल्व के थ्रू होते हुए आउटलेट वॉल्व की तरफ ले जाता है और आउटलेट वॉल्व पे वो वाटर को फोर्सफुली थ्रो करता है टू द आउटलेट वॉल्व, जिससे कि वाटर हमारा बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। एंड द सेकंड इज लोब पंप। लोब पंप भी हमारे गियर पंप की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, इसमें भी सेम एक्शन यूज होता है, हमारा वाटर इनलेट के थ्रू आता है एंड हमारे जो लोब्स होते हैं वो वाटर को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ये भी वाटर की जो मूवमेंट होती है वो इनलेट से होते हुए फिर हमारे केसिंग के आउटर वॉल के थ्रू होते हुए वाटर को आउटलेट की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेन पंप। वेन पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसमें हमारी एक रोटेटिंग रोटर होती है और रोटर के ऊपर हमारे काफ़ी सारी स्लाइडिंग वेन्स होते हैं। जो वेन्स होते हैं वो रोटर के इनवर्ड और आउटवर्ड स्लाइड करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम। वेन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो हमारी रोटर होती है रोटर और केसिंग
ये दोनों कोसेंट्रिक नहीं होती, इनके सेंटर्स के बीच में इसेंट्रिसिटी होती है। इनलेट वॉल्व पे क्या होता है, जो हमारी वेंट्स होती हैं वो आउटवर्ड की तरफ स्लाइड करती हैं, जिससे कि दो वेंट्स के बीच में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाए। इनलेट पे इन दोनों जो दो वेंट्स होते हैं उनके बीच में वाटर ट्रैप हो जाता है, और फिर वो आउटर हमारे केसिंग के आउटर वॉल्स के थ्रू होते हुए आउटवर्ड वॉल्व की तरफ आता है। तो आउटवर्ड वॉल्व पे जो हमारी वेल्स होती हैं वो इनवर्ड की तरफ स्लाइड करती हैं, जिससे कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करने जाता है। ड्यू टू डिक्रीजिंग वॉल्यूम हमारा जो ट्रैप्ड वाटर होता है वो आउटलेट वॉल्व की तरफ जाता है, उसे हम आउटलेट वॉल्व की तरफ थ्रो करते हैं, और फिर वो आउटलेट वॉल्व के थ्रू बाहर हो जाता है। ये इसका हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। एंड लास्ट इज स्क्रू पंप। स्क्रू पंप में एक स्क्रू पंप भी गियर पंप की तरह होता है। इसमें हमारे दो मेटिंग स्क्रू होते हैं। इनलेट वॉल्व पे जो वाटर जब इनलेट की तरफ आता है, इनलेट में आता है, तो जो हमारा वाटर होता है वो दो मेटिंग स्क्रू के जो थ्रेड होते हैं उन थ्रेड की स्पेस में वो ट्रैप कर जाता है। दो थ्रेड के बीच में जो स्पेस होती है हमारा वाटर उसके बीच ट्रैप कर जाता है, और जैसे हमारे स्क्रू रोटेट करते हैं वो हमारा वाटर आउटलेट की तरफ मूव करता है, और आउटलेट पे हमारा वाटर से बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल पंकज रेडी पॉइंट। थैंक यू।